ट्रंप के इन समर्थकों का ये पूरा मामला है क्या? क्योंकि इस बार जो चुनाव हुए थे अमेरिका में, ऐतिहासिक चुनाव थे। जरा इन आंकड़ों को गौर से देखिए। नंबर वन, बाइडेन के बाद इतिहास में सबसे ज्यादा वोट इस बार डोनाल्ड ट्रंप को मिले। जी हाँ, जो बाइडेन ने चुनाव जीते सबसे ज्यादा वोट उन्हें मिले, लेकिन नंबर दो पर होते हुए डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी इतिहास में हारने वाले किसी भी राष्ट्रपति को सबसे ज्यादा वोट मिले इस बार। अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा लोगों ने इस बार हालांकि वोट किया था, 15,90,00,000 कुल लोगों ने वोट किया था। एक बार फिर से अगर हम पहला वाला फ्लिप करके दिखाएंगे आपको शुरू से, क्योंकि ये इस आंकड़े को गौर से समझिए। 7,42,00,000 लोग, जो 15,90,00,000 लोगों ने वोट किया था, उसमें से 7,42,00,000 लोग, 46.8% लोगों ने, ऐसा अमेरिकी इतिहास में कभी नहीं हुआ था जब किसी हारने वाले राष्ट्रपति को इतने वोट मिले हो। और उसके बाद जब दूसरा आंकड़ा हमने आपको दिखा दिया कि कैसे अमेरिकी वोटर इस बार सबसे ज्यादा तादाद में निकले थे, लड़ाई जिस तरह की थी, नंबर 15,90,00,000 लोगों ने वोट किया था। अब नंबर तीन जो इंपॉर्टेंट डेटा है, 120 साल में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट इसे देखा जाए, क्योंकि 2020 की हम बात कर रहे हैं और 1900 में, तो देखिए ये 120 साल में, 1900 में इससे पहले 73.7% लोग आए थे, 2020 में 66.7% के साथ सबसे बड़ा वोटर टर्नआउट रहा था। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, इसका ये अर्थ नहीं है कि आप अपने समर्थकों के बल पर न सिर्फ अमेरिका को, पूरी दुनिया को शर्मसार करें। एक वक्त वो था जब प्रधानमंत्री ने जमकर प्रशंसा की थी डोनाल्ड ट्रंप की, और आज देखिए किस तरह से उनके समर्थकों ने शर्मसार किया है। लेकिन सवाल यह है कि उकसाया क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने, उकसाया, कहा मार्च टू कैपिटल हिल। सुधांशु जी, आपने बहुत एप्रोप्रिएट बात कही है अंजना जी। देखिए जो कुछ हुआ है, दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक अमेरिका माना जाता था, अमेरिका में संवैधानिक व्यवस्थाओं को लेके ये चुनौती आज की नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं 1998 में क्लिंटन लेविंस्की प्रकरण में पहली बार अमेरिकी इतिहास में ऐसा हुआ कि यह सिद्ध हो गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने झूठ बोला है, उसके बावजूद वो अपनी कुर्सी पर सर्वाइव कर गए। सन 2000 के चुनाव में याद करिए फ्लोरिडा क्राइसिस, जिसमें जॉर्ज बुश सेलेक्ट होकर आ गए थे, आज यह स्थिति दिखाई पड़ी। चलिए वो तो वहां पर अपनी जगह, अब मैं यहां के बारे में कहता हूं। बिल्कुल सही आपने कहा, क्यों उकसाया। ध्यान रखना चाहिए सभी राजनीतिक दलों को, सत्ता में हो या प्रतिपक्ष, किसी को ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, सड़क पे आ जाओ, आर पार की लड़ाई कर लो। ये कौम के इतिहास में ये मौका कभी कभी आता है। 16 दिसंबर 2019 श्रीमती सोनिया गांधी जी, संयम रखना चाहिए। याद करिए कैसे कैसे लोग थे जिन्होंने कहा कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, अब तो सड़कों पे आके निर्णय करना पड़ेगा, जिनको बड़ा महान बुद्धिजीवी माना गया, हर्ष मंदर। इसलिए मैं कह रहा हूं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र एक बहुत बहुमूल्य है, और अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों को यदि हम लोकतंत्र के विराट मंदिर के ऊपर रख देते हैं तो वैसा ही दृश्य दिखता है जैसा कि यहां दिख रहा। परंतु मैं एक और बात कहना चाहता हूं, भारत में एक अंतर है अंजना जी। ये सारे वो देश हैं जहां ये कहते हैं क्रांतियों से लोकतंत्र आया, रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, तो वहां तो ये सब मज्जर रहा ही होगा, उस जमाने में टीवी नहीं था, वरना फोटो में आती तो ऐसे ही कब्जा किया गया था। भारत में क्रांति से नहीं, शांति से सब कुछ होता था। दुर्भाग्य यह है कि जो जो विदेशी विचारधाराओं का प्रभाव भारत में आया है तो ये कहने का प्रयास किया जाता, कोई तो ये तक कह देता है हथियार उठा लो, सशस्त्र संघर्ष कर लो। इसलिए हम सबको इससे शिक्षा लेनी चाहिए, और ये एक अवसर है कि हम विश्व के सबसे बड़े नहीं, सबसे प्राचीन सांस्कृतिक लोकतंत्र हैं, हम दुनिया में एक उदाहरण रखें, और इस प्रकार की चीजों में भी लोग ये सोचें कि भारत की व्यवस्था। आशुतोष जी, ठीक है आशुतोष जी, समर्थकों को उकसाना भारी पड़ सकता है जो सुधांशु जी कह रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है सुधांशु जी थोड़ा सा राजनीतिक बयानबाजी करने से बाज नहीं आए अपने इस कयाम में भी। आज की तारीख में सबको मालूम है कि नफरत की राजनीति कौन करता है, दूसरों को देशद्रोह गद्दार करने की राजनीति कौन करता है। ये जो अपने विरोधियों को दुश्मन साबित करना, देशद्रोही साबित करना, गद्दार साबित करना, देश हित के खिलाफ काम करने वाला, 2016 से डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने थे पहले दिन से वो यही काम कर रहे थे, और उसका नतीजा ये हुआ कि एक ऐसा समाज अमेरिका के अंदर पैदा हो गया है जो आज ट्रंप का अगर समर्थक नहीं है तो वो देश का गद्दार है, अगर वो ट्रंप के साथ नहीं है तो देशद्रोही है।